नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुशामदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है, पीटीआई को नए चैलेंज का सामना। कॉलम निगार हैं अंसार अब्बासी और आवाज है तलहा इनाम की। अगर आप भी नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। बल्ला छीने जाने के बाद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अब बहस ये हो रही है कि क्या 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में आजाद हैसियत से जीतने वाले अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली, तहरीक इंसाफ या किसी ऐसी सियासी जमात जिसको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई में शामिल हो सकते हैं या नहीं। इस बारे में कानूनी अफराद की राय में इख्तलाफ है, क्योंकि किसी सियासी जमात जिसका इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया हो और उसे बहैसियत सियासी जमात इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दी जाए तो क्या ऐसी सियासी जमात में आज़ाद हैसियत से जीतने वाले शामिल हो सकते हैं या नहीं। इस बारे में ना आईन में कुछ लिखा है और ना ही इलेक्शन एक्ट में इस बारे में कोई वजाहत मौजूद है। याद रहे कि तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लिया गया जिसकी वजह से बहैसियत सियासी जमात वो आइंदा का इलेक्शन नहीं लड़ सकती, लेकिन कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ अब भी एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। आइन के मुताबिक आज़ाद हैसियत से जीतने वाले मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बलियों के पास उनके इलेक्शन जीतने के नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी सियासी जमात में शामिल हो जाएं। आइन की शिक नंबर 151 और 106 में 3 दिन में आज़ाद हैसियत से जीतने वाले मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बलियों की बात की गई है। इन आइनी शिकों में जहां ख्वातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के इंतखाब की बात की जाती है तो वहां आइन जिन सियासी जमातों में आज़ाद अराकीन असम्बली की शमूलियत की बात करता है तो वो सियासी जमातें वो हैं जिन्होंने आम इंतखाबात में हिस्सा लेकर एक या एक से ज्यादा नशिस्तें जीती। आइन के मुताबिक किसी सियासी जमात की तरफ से हासिल करदा आम नशिस्तों की कुल तादाद में वो कामयाब आज़ाद उम्मीदवार शामिल होंगे जो सरकारी जरीदे में कामयाब उम्मीदवारों के नामों की इशात से 3 यौम के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर मज़कूरा सियासी जमात में शामिल हो जाएं। अगर इन आइनी शिकों पर इन्हिसार किया जाए तो फिर तो तहरीक इंसाफ के आज़ाद अराकीन असम्बली किसी ऐसी सियासी जमात में ही शामिल हो सकते हैं जिसने इंतखाबात में अपने नाम और इंतखाबी निशान के साथ ही हिस्सा लिया हो और उसका कोई न कोई उम्मीदवार इलेक्शन जीतकर असेंबली में पहुंच गया हो। ऐसी सूरत में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतने के बाद भी तहरीक इंसाफ में शामिल होकर तहरीक इंसाफ को कौमी और सूबाई असेंबलियों में आवाम की नुमाइंदा जमात की हैसियत नहीं दिलवा सकते। लेकिन अगर इन आइनी शिकों को सिर्फ और सिर्फ ख्वातीन और अकलियतों के लिए मखसूस नशिस्तों के हवाले से पढ़ा जाए तो फिर आइन और कानून आज़ाद अराकीन असम्बली की तरफ से तहरीक इंसाफ जिसे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया उसकी ऐसे इंतखाबात के बाद कायम होने वाली असम्बलियों में पाबंदी या आज़ाद अराकीन की तरफ से उसकी नुमाइंदगी करने के मामले पर खामोश हैं। तहरीक इंसाफ को अगरचे ये दुरुस्त खदशा है कि आज़ाद अराकीन की हैसियत से जीतने वाले उसके कुछ या कई अराकीन को इंतखाबात के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों में दबाव या लालच के जरिए शामिल किया जा सकता है, लेकिन अब ये इलेक्शन कमीशन और अदलिया ने ही फैसला करना होगा कि क्या तहरीक इंसाफ को आइंदा की असम्बलियों में इलेक्शन जीतने वाले आज़ाद अराकीन के जरिए कौमी और सूबाई असम्बलियों में बहाल किया जा सकता है या नहीं। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।